फाइनली आई एम बैक विद द वीडियो। यार मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है, अभी नहीं बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारी जगह ढूंढता रहता हूँ और भारत पे एक नया एप्लीकेशन आया जिसका नाम है 12% क्लब, जिसके बारे में को पता चला है। 12% क्लब में आपको 12% तक के रिटर्न्स डेली अपने बैंक अकाउंट में मिलते हैं। और हाँ यार, जो भी इस क्लब का मेंबर है उनको इन्वेस्टमेंट पे 12% तक का रिटर्न तो मिलता ही है, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे उनका इंटरेस्ट जमा होता रहता है। पैसे विड्रॉ करने के लिए मैं कभी भी रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। सबसे बढ़िया बात क्या है कि यार यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, यहाँ पे आपको लोन भी 12% पर मिल सकता है। और हाँ यार, ये एप्लीकेशन बिल्कुल ट्रस्टेड है क्योंकि ये RBI अप्रूव्ड NBFCS से पार्टनर्ड है, एज वेल एज इट इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 मिलियन इन्वेस्टर्स। सही बताऊं तो मुझे इस एप्लीकेशन का आइडिया बहुत सही लगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या नीचे कमेंट करके जो बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एप्लीकेशन को यूज करके। अब चलते हैं सीधा वीडियो बनाने। सर क्या है, कैसे बढ़िया आप? सर आज हम स्पेसिफिक इस वीडियो की बात करें तो आज हमारे पास कौन कौन सा लॉट है, कौन कौन सी प्राइस है जो आज हम दिखाने वाले हैं? मैं दिखाता हूँ आपको, आज हमारे पास मिक्स है प्राइस की, अलग अलग रेंज की है। ठीक है, तो थोड़े बेसिक से थोड़े हाइट तक थंडरबोल्ट मेज, इलेक्ट्रा मेज, तो एक वाइड वैरायटी का। तो सर अगर हम फर्स्ट बाइक की बात करें जो आप बोल रहे थे कि यार हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो अगर फर्स्ट बाइक की बात करें तो कौन सी बाइक है? ये हमारा डिजाइन है बॉब 54। अच्छा, आप काम देख सकते हैं, पहले मैं आपको उसके डिटेल्स बताऊँ, फीचर्स की प्राइस पे नहीं, पहले डिटेल्स। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आगे पीछे के टायर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको जो आता है, बेसिक स्पेक्स के अंदर ही है। 1990 110 mm by 110 mm। ओके, तो ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर है बाइक का। ठीक है, जो कस्टम मेड पार्ट्स है, सबसे पहले आपको ये तो दिख ही रहा होगा, सबसे मेन अट्रैक्शन इसका टैंक है। टैंक में भी आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, और इसके ऊपर से ये जो पेंट जॉब है, ये इसका मेन सबसे बड़ा पेंट जॉब है, स्टिकर नहीं है। आप इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं कितना सुंदर है, बाकी कुछ चीजें स्टॉक छोड़ी है, काफी कुछ एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। तभी ये बजट मॉडिफिकेशन भी आता है, अभी बजट में आ छोटी सी देखिए, बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करे हमने, तो इसमें कॉस्ट काफी बच जाता है। जितने मीटर लगा हुआ है इसमें भी लगा दिया से काफी मीटर। ओके, और ये अलॉयज की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बड़ी मतलब प्रीमियम लुक दे रहे हैं, तो ये अलॉयज अपना प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। बाकी वाइड रेंज है अलॉयज, अगर आप देखो तो वहां पे भी लगे हुए हैं, पूरा शोरूम आपको दिख ही रहा होगा। अलॉयज हो गए, लाइट्स हो गए, लाइट्स के डोम हो गए, इंडिकेटर्स, हैंड गार्ड, मड गार्ड, जो भी चाहिए, मतलब एक ऐसा स्टोर जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो सर अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आप क्या डिमांड करते हैं? ये गाड़ी हमारे जो शिपिंग का है, हाँ, 70,000 के ऊपर वन साइड पिकअप, डेढ़ के ऊपर बोथ साइड्स, अप एंड डाउन डोर स्टेप के लिए, उस हिसाब से ये इसका जो प्राइस आता है इंक्लूडिंग वन साइड पिकअप 1.10, 1,10,000 में पूरी गाड़ी इंक्लूडिंग। और इसमें पेंट भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, प्रोडक्ट देख रहे हैं कंपनी जैसे। तो यार ये है अपना सबसे पहली बाइक जो कि है थंडरबर्ड के ऊपर। अगर आप दूसरी बाइक की बात करें तो ये महाकाल, इसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, शिव जी के ऊपर ये और मतलब ट्रिब्यूट दिया गया। तो अगर हम इस बाइक के बारे में बात करें तो ये कौन सी बाइक है? ये बेस बाइक इलेक्ट्रा है। ठीक है, इलेक्ट्रा पे ये लुक ड्यूरल बॉबल वाला हेडलाइट चेंज हो गया, इनफैक्ट ये शॉकर्स भी चौड़े हैं थंडरबर्ड वाले, डायमीटर ज्यादा होता है। फ्रंट में 110 mm by 19 इंच का टायर है। ओके, अलॉय व्हील्स हैं दोनों हार्डलेस टाइप में, रियर में इसमें 140 mm टायर है। ओके, 140 के लिए जैसा आप जानते हैं स्विंग आर्म वगैरह काफी इसको प्रेशर ड्रॉ करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, हां वो सारा काम है। सर अगर एक मैं टेक्निकल टर्म में जाऊं तो जब हम झूला चौड़ा बोलते हैं, झूला बोलते हैं ना पीछे का, जो स्विंग आर्म होता है हिंदी में भाई झूला बोलते हैं सर, तो कोट मत करना, तो अगर हम उसको चौड़ा करवाते तो उसमें कितने mm तक टायर आ जाता है? स्विंग आर्म से थोड़ा करके कितना जाता है? मेरे हिसाब से मैक्सिमम एडवाइजेबल जो 150 है। जब मतलब बाइक प्रॉपर रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो उसके फ्रेम के अंदर है विदाउट चेंजिंग चेसी, सिर्फ स्विंग आर्म ऑर्डर करके आपको 150 एमएम तक जा सकते। ठीक है, बाकी अगर मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आपको इस बाइक के बारे में बताऊँ तो इसमें कस्टम पेंट जॉब हुई है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये पूरा प्रॉपर कस्टम पेंट जॉब है। इसमें बॉबर वाली सीट लगी हुई है, पीछे के आगे के मडगार्ड्स दे लो, साइड के पैनल्स पे ये पूरा कस्टम पेंट जॉब है। यहाँ पे एग्जॉस्ट चेंज है, वरदान जी के इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर कस्टमाइजेशन। क्यों? क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड ऐसी नहीं आती और वो अब ऐसी बन चुकी है। तो सर अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो कितना कॉस्ट इसमें लग जाता है? देखिए ये जो इस तरह के एक्सक्लूसिव पेंट जॉब के साथ ये काम अगर करते हैं 1.7 है। और अगर आप पेंट जॉब ना करें तो मोटा मोटा, अगर हम मतलब सिंपल पेंट जॉब करें तो इस तरह की गाड़ी हमारी अप्रोक्सीमेटली 1.5 by 1.6 आप जो भेजोगे और पिक एंड ड्रॉप रहेगा इसमें। अगर हम थर्ड बाइक की बात करें तो ये वाली बाइक मेरे को पर्सनली बहुत सही लगी भाई, इसमें तो फ्लेक्स, ये फायर फ्लेक्स है, तो इसका नाम क्या पहले आप ये बताओ?
मतलब पीछे की तरफ ये फायर जा रही है। तो अगर हम इस बाइक की बात करें तो कौन सी बाइक है, कौन सा मॉडल है? ये बना है अगेन मोटरबोर्ड पे, ठीक है, और इसमें कंप्लीट चेंजेस है स्ट्रक्चरल आगे पीछे। आपने जो दोनों देखे प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में और रॉड भी लग रही है। देखिए फ्रंट में इतना छोटा टायर है, फ्रंट में 130mm टायर है, ठीक है, 15 इंचेस का डायमीटर है, ओके, ये हाइट में छोटा है, पक्का हैवी पावर है। हां 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 और उसी हिसाब से रियर में 140mm टायर, 15 इंच, ठीक है, और इस हिसाब से कंप्लीट बॉडी चाहिए। इवन आप देख रहे हैं की ब्रैकेट तक जो है ये सब कस्टम मेड है, ये कस्टम मेड है, थोड़ा सा नहीं ब्रॉड लुक दे रहा है, मतलब बॉबर अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये प्रॉपर बॉबर है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फैट लुक आया था, बाकी इसका जो पोशन है वो भी बहुत बढ़िया है। डुअल सीट में सर ये आपने बना रखी है? हाँ जी। ओके, अगर हम इसके टायर की मतलब टायर तो छोड़ो, इसका अगर हम मडगार्ड की बात करें तो ये मडगार्ड स्पेशली चौक होता है, ये मडगार्ड स्क्रैच से बना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। हां, इसमें आपको ऐसे फीचर्स दिखेंगे जो थोड़ा ध्यान से देखने वाले। आप देख रहे हैं नॉर्मली मडगार्ड्स यूं होते हैं, ऐसे होता है, यहां पे इसका देखिए शेप आ रहा है, यहां एक डेंट और फिर स्ट्रेट है, तो ये एक क्राफ्ट्समैनशिप है, ओके, डिटेलिंग की बात है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ तो यार देखो सीधी सी बात है कि कोई भी कैसा भी काम कर देता है, बट राइडर का ये चीज़ मेक श्योर करता है कि भाई एक बार बंदा यहाँ से बाइक बनवा के ले जाए तो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी ये हाई मेटल की है, यहाँ से एडजस्टमेंट लगाई गई है जिससे कि अगर कोई बंदा पीछे बैठता है तो टायर से मडगार्ड ना लगे। तो सर अगर हम इसकी बात करें क्योंकि इसमें तो साइड के पैनल्स के पैनल्स भी चेंज है, इस गाड़ी में बेसिकली इंजन चेसिस को छोड़ के सब कुछ चेंज, सब कुछ कंप्लीट चेंज है। तो वही इस वजह से ये जो ये बाइक है इसका मेजर जो इसमें जो कंपोनेंट है कॉस्ट वाइज एंड डिजाइन वाइज इसका पेंट जॉब है। मतलब प्रॉपर बॉबर का अगर हम प्राइस जानना चाहेगा कितना प्राइस बनता है, तो इस बाइक का जो आप देख रहे हैं एज इट इज लुक में कॉस्ट आता है 1.85 में, ठीक है। ये वीडियो यही थी कि यार तीन तरीके की बॉबर है, तीनों का अलग अलग बजट है, क्यों किसी में कस्टम पेंट जॉब हुई है, किसी में टायर चौड़ा है, किसी में टी अलग है। तो अगर आप चीज़ें अलग अलग कराओगे, थोड़ी सी स्पेसिफिक कराओगे, अपने लिए बनवाओगे कि भाई हाँ एक बंदा जा रहा है उसको लोग बोलेंगे कि भाई कुछ चीज़ बनवानी है, तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा। तो सर इसकी अगर हम बजट की बात करें तीनों का बस एक बार आप रेफर कर दो, इसका कितना है, इसका कितना है? ये जो आप देख रहे हैं ये है 1.10, 1.75, 1.85, ओके, इसमें भी पेंट जॉब की वैसे महंगे। हाँ क्योंकि यार यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे महाकाल पूरे बने हुए हैं और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बाइक अच्छी लगी हो, प्राइस अच्छी लगी हो, यार वीडियो